हाय, सो हम अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी क्लास 9, और हमने चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हम अभी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो बुक है हमारी, ये बुक इकोनॉमी की आज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ज्योग्राफी की क्लास 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। नाउ आप मुझे सजेशन दो, व्हाट यू वांट, इसके बाद हम कौन सी नेक्स्ट बुक पिक करें। ओके, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो हमने ये जो पहला चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये बहुत अच्छे से वर्ड एक एक लाइन हमने बहुत डिटेल में देखा है। इसे हमने जो नेक्स्ट चैप्टर देखा था पीपल एज रिसोर्सेज, इसमें लोग क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन स्किल्स एंड डेवलपमेंट, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा। थर्ड चैप्टर जो था वो हमारा, वो था पॉवर्टी, पॉवर्टी इतना बड़ा इशू क्यों बनता जाता है इंडिया में। लाइक अभिजीत बनर्जी साहब का भी बुक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, गरीबी हटाओ, डिफरेंट रेटिंग्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी अच्छे से हमने क्लास 9 की जो बुक की स्कोप है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है दिस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें हम बात करेंगे अभी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सी, हम अभी बहुत फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, हम आगे चल के बहुत एडवांस्ड इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू, जस्ट हैव पेशेंस, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जैसे हम अगर बायोलॉजी भी देखें तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब ना एक सेल से फॉर्म हुआ है, सेलुलर लाइफ है, फिर ये अलग चेन आ गई और इस तरीके से हम सबकी ग्रोथ हुई। आप होमोसेपियंस बने हम, देन अलग ह्यूमन बीइंग्स होते थे। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था हमारे ग्रोथ एंड इवोल्यूशन का, वो क्या था, वो था कि हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली, हमने खेती करना सीख लिया, हमने अन्न उगाना सीख लिया। इससे क्या हुआ, जैसे देखिए टाइगर जो होता है ना, टाइगर कितना स्ट्रांग है ना, मसल्स हैं, एवरीथिंग सो स्ट्रांग, बट टाइगर का जो पूरा दिन होता है वो लग जाता है केवल अपनी फूड सिक्योरिटी के सोचने में ही चला जाता है। ह्यूमंस जो थे ये मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, तो इन्होंने क्या किया, फूड को उगाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। तो अब जो ह्यूमन है ये फ्री हो गए, इनको फूड सिक्योरिटी हो गई, और ये फ्री टाइम के कारण इन लोगों ने अपना ग्रोथ, प्रोग्रेस, इनोवेशन, ऐसे करके इनका इवोल्यूशन आगे बढ़ गया। तो ये जो पूरा टर्निंग पॉइंट था एनिमल्स और ह्यूमंस में, हम एक जैसे ही होते हैं, बट ह्यूमंस जो इतना प्रोग्रेस हो गया, इवोल्यूशन हो गया, वो इसलिए हुआ बिकॉज हमने ये फूड सिक्योरिटी हासिल कर लिया था। हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम शाम को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमने उसको स्टोरेज करना सीख लिया है। सो दिस फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, पीस ऑफ माइंड आता है, ग्रोथ होती है। सो इस चैप्टर में अब हम अपन देखते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इकोनॉमिक्स में ये जो फूड सिक्योरिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू रीड दिस आर्टिकल ऑफ मिस्टर रघुराम राजन एंड ऑल, दे कीप टॉकिंग अबाउट दिस फूड सिक्योरिटी। ओके, सो अभी हम इस पर स्टार्ट करते हैं। फूड जो होता है ना, ये बहुत एसेंशियल होता है, सबसे बेयर मिनिमम चीज़ होती है कि हमें खाना टाइम पे मिलना चाहिए। देन अभी न्यूट्रिशनल फूड भी होना चाहिए। अगेन, बच्चों में हमने देखा कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग हो रही है, तो हमने क्या सोचा, हम उन्हें मिड डे मील स्कीम के थ्रू स्कूल में ही खाना प्रोवाइड करेंगे। रीज़न क्या था कि हम एक तो स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा पाएंगे और दूसरे जो बच्चे हैं ना वो प्रॉपरली ग्रो हो पाएंगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। सिमिलरली जैसे अभी कोविड-19 में आप देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना पैंडेमिक के बाद, वो ये होता है कि फूड सिक्योरिटी हो जाती है। अभी जैसे वीट का हम देख रहे थे, वीट क्या होती है, राबी क्रॉप होती है, इसका अभी हार्वेस्ट सीजन चल रहा है। अगर ये हार्वेस्ट सीजन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, तो हमें फूड शॉर्टेजेस भी हो सकती है, फूड सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगी। सो वी आर टेकिंग स्टेप्स कि हम ये फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अभी रिलीज में इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं, उसमें भी इन्होंने फूड का बात किया है, कम और फ्री रेट में इनको सारा बेसिक फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। देन फूड सिक्योरिटी मिशन भी है, FCI जो होता है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, वो प्रोक्योरमेंट करके रखता है, स्टॉक्स रख के रखता है, क्यों, ताकि हम फूड से रिलेटेड हमें टेंशन नहीं हो, फूड सिक्योरिटी हमारे पास हो, सो दैट हम पीस ऑफ माइंड में रहें और हमारी ग्रोथ हो, बॉडी अच्छी हो और हम इकोनॉमी को प्रॉपरली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे आप अफ्रीका भी देखते हो, अफ्रीका में अक्सर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों ज़्यादा नहीं आ पाता है, बिकॉज दिस ये जो फूड रिलेटेड होता है वहाँ पर, न्यूट्रिशनल एंड ऑल, दैट इज़ लैगिंग। सो फूड सिक्योरिटी इसलिए इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये NCERT। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी,
एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब वो मिल रहा है, एक्सेसिबल मतलब आपकी पहुंच पे है, और अफोर्डेबली मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा और इस टाइप का नहीं हो रहा है। टू, फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सारे लोगों को मिलना चाहिए और सारे टाइम पे मिलना चाहिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। आप मेंस में आंसर लिख रहे हो ना, आपने ये एक लाइन लिख दी ना, तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन के पास ब्रेविटी है और वो इस सब्जेक्ट को जानता है। सो दैट इज़ वाई अपनी लैंग्वेज इतनी शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए। आप टू द पॉइंट लिखिए जो भी आप लिख रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। सो इसीलिए हम ये एनसीईआरटी बुक भी हर शब्द हर लाइन पढ़ रहे हैं। इसकी लैंग्वेज आप देखना, अभी तो थोड़ा आपने पढ़ा है, आगे चल के आप देखना एनसीईआरटी, यू वुड फॉल इन लव। ये इतनी अच्छी लिखी है ये सारी एनसीईआरटी की बुक। ओके, सो द पुअर हाउस होल्ड्स आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नहीं हो पा रहा है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका क्लासिक एग्जाम्पल अभी जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग इंसाइट्स मिल रहा है। न्यूज़पेपर द हिंदू में हम एवरी डे इसको देखते हैं कि क्वेश्चंस उठ रहे हैं फूड सिक्योरिटी के, पीडीएस के। सो आप उसको भी एक टैब रखिए वहाँ पे। देन गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। तो ये ओवरव्यू था। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड इज़ एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज टू ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने के जैसे ही खाना हम सबको चाहिए। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील। दो वक्त के खाने से कुछ ज़्यादा होता है फूड सिक्योरिटी। क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरी, मतलब अवेलेबल होता है। एफसीआई क्या करती है? हमारे गोदाउन में खाना स्टोर करके रखती है। अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ग्रैनरीज बना रखी थी उन्होंने, जिसमें वो अपने खाने को स्टोर करके रखते थे इन फर्दर सीजन, जब उनके पास खाने का सिक्योरिटी रहेगा, शॉर्टेज नहीं होगा। तो ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नाउ एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। फूड तो है बट वो एक्सेसिबल है या नहीं है, वो ये टर्म डिटरमाइन करेगा। देन अफोर्डेबिलिटी मतलब वो खाना रीजनेबल भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो 2,000 3,000। नो, एक जो आम आदमी, जैसे गेहूं और ये हम कितने में दे रहे हैं? 5 रुपी केजी में दे रहे हैं, 2 रुपी केजी में दे रहे हैं। सो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशियंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। ओके, फूड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। सो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड और एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। सो दिस इज द वे यू हैव टू आंसर इफ समबडी आस्क यू। अभी आपसे किसी ने पूछा कि वॉट यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, आप ये तीन पॉइंट बताइए। ओके, ब्रेविटी और टू द पॉइंट आप अपनी राइटिंग्स में लाइए। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। सो दिस इज द लैंग्वेज। ओके, नाउ व्हाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वेल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर वेन द कंट्री फेसेस दिस नेशनल डिजास्टर, जैसे कि कोविड-19 कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक आ गया है, ड्रॉट है, फ्लड है, सुनामी है, वाइड स्प्रेड फेलियर हो गया है क्रॉप का, फेमाइन आ गया है। तो हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? अब अगेन थिंक इन लाइन ऑफ दिस कोविड-19, कैसे अफेक्ट हो रहा है फूड सिक्योरिटी? सो ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी जैसे ड्रॉट है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड आ जाती है अफेक्टेड एरिया में, शॉर्टेज ऑफ फूड से प्राइसेस जो होती है वो ऊपर हो जाती है, एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। सब अगर हमने पॉवर्टी में देखा ना, हम सबके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि हम इतना महंगा महंगा चीज़ ले लें। सो इफ सच कैलामिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी आ जाती है। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। सो ये स्टारवेशन है, अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम बोलते हैं फेमाइन। ओके, सो फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ होती है ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक कॉज्ड बाय
फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, डिकेइंग फूड, लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टार्वेशन। बॉडी वीक होती है ना तो हर कोई आप पे अटैक करने लग जाता है। कोविड 19 में भी आप देखो, आप यंग हो, आप यंगस्टर हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो कोविड 19 आप पे इतना डेडली नहीं होगा। बट अगर से आपके एल्डर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका एज थोड़ा ज़्यादा है तो कोविड 19 उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब यू हैव टू सेव गार्ड देम। तो ये होता है बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन से भी जो बॉडी होती है हमारी वो वीक हो जाती है। मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वॉज द फेमाइन ऑफ बंगाल। ये बहुत पेनफुल था, 1943 में हुआ था। इसमें करीब करीब 30 लाख पीपल नहीं रहे थे इस प्रोविंस ऑफ बंगाल अलोन में। सो डू यू नो हाउ हु वर अफेक्टेड मोस्ट बाय द फेमाइन? एग्रीकल्चरल लेबरर, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर, कैजुअल लेबर, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बिकॉज कीमतें बढ़ जाती है। दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन। एंड लुक एट दिस नंबर, दिस नंबर, दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज। सो दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन प्रोविंसेज ऑफ बंगाल। नाउ यहाँ पे है, सम पीपल से बंगाल फेमाइन हैपन बिकॉज देर वॉज शॉर्टेज ऑफ राइस। अगेन ये थ्योरीज है। विच ईयर शोज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कि फूड का अवेलेबिलिटी कैसे हो रहा है। अवेलेबिलिटी मतलब प्रोडक्शन और सप्लाई, ये सब एक्सेसिबल है या नहीं है। अब ये देखते हैं, सी ये बंगाल फेमाइन में ऐसा हुआ था, चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। अब ये इसलिए ऐसा है बिकॉज चित्तगोंग, अब नाउ डेज इट इज़ नॉट इन इंडिया, बट पहले ये पूरा एक बंगाल हुआ करता था। ये बंगाल ऐसे जैसे डिवाइड हुआ तो ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, है ना, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। तो ईस्ट बांग्लादेश बन गया, ये बन गया बांग्लादेश, और ये चीज़ इंडिया में आ गई और इसका नाम हो गया वेस्ट बंगाल। तभी आप इंडिया देखो ना, मैप इंडिया में तो वेस्ट बंगाल कहाँ है, टूवर्ड्स ईस्ट है, इंडिया के ईस्ट में है, पर इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल बंगाल का वेस्ट का पार्ट है। सिमिलरली पंजाब भी ऐसे ही हुआ, ये वाला पार्ट था, ये ईस्ट पंजाब था, ये वेस्ट पंजाब था। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। इंडिया में जो भी 90% जो इश्यूज हुए हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे यू वुड सी कि कितना ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट किया है। सो विच एज ग्रुप इज सीन इन द फर्स्ट पिक्चर, देन दिस, ओके, सो दिस इज सम सजेस्टेड एक्टिविटी। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपन इन इंडिया अगेन, बट इट इज डिस्टर्बिंग। ये बहुत डिस्टर्बिंग है टू नोट दैट इवन टूडे देर आर प्लेसेज लाइक कालाहांडी, काशीपुर इन ओडिशा, जहाँ पे फेमाइन लाइक कंडीशन है इवन इन 21st century, हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मेनी ईयर्स एंड वेयर सम स्टार्वेशन डेथ हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। स्टार्वेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारा। कहाँ पर है? राजस्थान में है। पलामाऊ कहाँ पर है? झारखंड में है। यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे केसेज आए हैं रिमोट एरिया ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। सो जो फूड सिक्योरिटी होती है वो ज़रूरी होती है कि फूड सप्लाई हम सबको प्रोवाइड करते रहे। Who are food insecure? Insecure कौन होते हैं? Large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India. Worst affected जो होते हैं वो landless people होते हैं, जिनके पास little or no land है। वो depend करते हैं traditional artisans या फिर traditional services हैं, petty self-employed workers हैं, destitutes हैं, beggars हैं। In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupation and casual labor market. ये अक्सर insecure होते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, vulnerability भी होती है, poverty भी होती है, ये सब आपस में ना economy में सब चीज़ें एक दूसरे से interlink होती है। Everything is interlinked with each other. ऐसे यहाँ पे अब एक story of रामू दिया है कि अगेन इसके पास भी खाने को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ही एंड हिज और फैमिली सफ़र कर रही है। उनके पास प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, देर इज़ नो मिल्क, नो वेजिटेबल, नो पल्सेज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है। देन अगेन ये स्टोरी ऑफ अहमद है। अहमद के साथ क्या है कि इसने PDS कार्ड ले रखा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या करती है, PDS में सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज़ की कीमत है 100 रुपये, बट एक गरीब आदमी है तो वो बेचारा 100 रुपये कैसे पे करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि चलो 50 रुपये हम दे देते हैं, आप केवल इसका 50 रुपी पे करो। तो ये कहलाती है सब्सिडी, इसको बोलते हैं हमने सब्सिडी दे दी है। जैसे आप LPG देखते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मिलता है सब्सिडाइज रेट में। से इसकी मार्केट प्राइस 1000 है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप 1000 रुपये पे कर दो और आप अपने डिटेल दो, हम आपके अकाउंट में जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये एक तरीका हमने निकाला है ताकि अपन इसके जो मिसयूज़ है उसको स्टॉप कर सकें। और कुछ लोगों ने फिर एक गिव अप कैंपेन निकाला था ताकि ये जो सब्सिडी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम हर किसी को सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करते। जैसे कोई बहुत रिच पर्सन है, ही डोंट नीड दैट सब्सिडी, सो उनके लिए आया था गिव अप कैंपेन। तो दिस इज़ अबाउट सब्सिडी। नाउ
तो ये जो अहमद है इसके पास पीडीएस कार्ड है, तो बिलो पॉवर्टी माइंड का, तो इसको एसेंशियल्स जो होते हैं ना वो हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस में मिल जाते हैं. तो ही इज़ एबल टू हैव अ गुड सस्टेनेबल वे में यहाँ पे सर्वाइव हो रहा है ये. देन स्मॉल अर्निंग्स फ्रॉम रिक्शा पुलिंग. सोशल कंपोजिशन अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनमें भी जो फूड सिक्योरिटी होती है वो कम होती है. लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी. पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, ये भी फूड इनसिक्योर होते हैं. हाई इंसिडेंस ऑफ मल न्यूट्रिशन होता है प्रिवेल अमंग विमेन. विमेन में आप देखना बहुत सारे जो टीनेजर्स गर्ल होती है एनीमिया हो जाता है उन्हें, एनेमिक होती है, मल न्यूट्रिशन होता है उन्हें बिकॉज प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है. दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मल न्यूट्रिशन. सो दैट इज वाई हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे जैसे MMR होता है, मटर्नल मोर्टेलिटी रेटो रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो होता है, चाइल्ड स्टंटिंग होती है, चाइल्ड वेस्टिंग होती है. ये सारी चीजें इंडिया में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया का. सो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन. तो दैट इज वाई हम मातृ वंदन योजना और इस टाइप की स्कीम्स लेके आते हैं. अब ये नेशनल फूड NHFS नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998-99 के अकॉर्डिंग सच वुमेन एंड चिल्ड्रन अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ है. सी कितना बड़ा नंबर है ये. सो फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, ट्राइबल है, रिमोट एरिया है, रीजन्स हैं, प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां काफी तादाद में फूड इनसिक्योर पीपल आपको मिलेंगे. हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी. हंगर, भूख. हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी. ये पॉवर्टी में लाता है. सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइन इज, मतलब लैंग्वेज कैसा लिखा है इन्होंने. हैव दिस लैंग्वेज. हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी. दिस अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर. हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशंस भी होता है. क्रोनिक एंड सीजनल. क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. मतलब खाना तो मिल रहा है बट वो आपको 10 रोटी चाहिए, आपको 10 रोटी नहीं मिल रही है. आपको अच्छा खाना चाहिए बट आपको वो न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिल रहा है. क्वालिटी इज नॉट गुड. पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल. दिस इज वेरी पेनफुल. सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. मतलब कभी हार्वेस्ट पुअर हो गया है तो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अ सीजनल थिंग. कुछ टाइम पे नहीं मिल रहा है फिर मिलने लग जाएगा. और ये जो पहला था क्रोनिक हंगर, मतलब ये परसिस्टेंटली आपको लो क्वालिटी का फूड मिल रहा है और वो फूड सफिशिएंट भी नहीं है. सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ दिस कैजुअल लेबरर. देर इज अ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट वैन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर. इसका हमने क्या नाम दिया था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. आपको ये भी याद है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 1 और 2 किसमें देखा था आपने, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. देन दिस इज परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर. सी दीज आर द नंबर. अब परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर डिक्लाइन हुआ है इंडिया में. इंडिया एम कर रहा है सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस. पहले एक टाइम था हम अमेरिका से वीट बुलाते थे, फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड. तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि पेट भरना चाहिए, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों पे जाते हैं. सो इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन एस्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस. इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर. स्पेशल यहाँ पे स्टैम्प एंटाइटल्ड वीट रिवॉल्यूशन इन 1968. तो अभी का जो वेस्टर्न यूपी है और ये पंजाब है यहाँ इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी लेके आ गए. इसकी जो वीट था मैक्सिको एंड ऑल फ्रॉम दिस, इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए था. ये चैप्टर 1 में देखा हमने, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैन्योर फर्टिलाइजर एफर्ट्स थे. बट जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो तो ये उतना ही प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा देके दे रहा था आपको, हाई यील्डिंग वेराइटी. तो ये वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा ये काफ़ी ग्रो हो गए.
Success of wheat was later replicated in rice. So increase in food grain was however disproportionate. Highest rate जो थी वो उत्तर प्रदेश में आई, मध्य प्रदेश में आई, इतने मिलियन टन आ गया, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना हो गया. इसके आपको लेटेस्ट फिगर देखने ना तो इंडिया ईयर बुक का हमने एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, हैव अ लुक, उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर है. उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ वीट, देन बंगाल यूपी अदर सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस. अब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली. एडवेंट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का अर्ली 70s में, कंट्री ने अवॉइडेड किया फेमाइन को इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन. हमारा बंगाल फेमाइन के बाद कभी इतना ज़्यादा बुरे दिन देखने नहीं पड़े हमें. इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री. ये हमें काफ़ी हमने अचीवमेंट ले लिया है. सो सी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया मिलियन मैट्रिक टन में. सी यूजुअली देर इज़ एन इंक्लाइन, हमने इंक्रीज ही किया है इसे. ओके सो फर्दर बीन एंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम. दो कॉम्पोनेंट है, एक होता है बफर, एक होता है PDS. बफर मतलब क्या होता है? बफर मतलब आप एक ने रिजर्व बना के रखा है, उसको आप बफर स्टॉक बोलते हैं. जैसे हम अभी हिंदू में हमने देखा था ऑयल के इन्होंने रिजर्व्स बना लिए हैं, बफर क्रिएट कर लिए हैं. सो दिस इज बफर. FCI का भी हमने एक आर्टिकल देखा था. FCI ने क्या किया है, स्टॉक्स अपने गोदाउंस हैं, वो बोल रही है कि हम सफिशियंट है, हमने काफ़ी स्टॉक बना रखा है वीट का, राइस का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI परचेज करती है वीट को और राइस को फ्रॉम फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन. सरप्लस का मतलब क्या होता है, इतनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ये जितना क्वांटिटी आ गया, से आपने 100 यूनिट प्रोडक्शन किया, आपको रिक्वायर था अराउंड 50 यूनिट, तो जो ये 50 यूनिट है ये आपका हो गया सरप्लस प्रोडक्शन, ये आपने खुद खा लिया 50, तो ये सरप्लस हो गया आपका. तो FCI परचेजेस वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट एंड सरप्लस प्रोडक्शन. फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप. दिस इज कॉल्ड MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मतलब आपने गेहूं लिया ना तो हम कम से कम आपको 100 रुपये किलो में तो खरीदेंगे. 100 मतलब एक फिगर है, हम इतने फिगर में इतने नंबर पे हम उसको खरीदेंगे, तो ये मिनिमम है, मिनिमम इतना तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इस पैदावार का. सो MSP इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव. लोगों को क्या सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर आपने खेती किया है, आपने राइस लगाया है, तो सरकार मेरे से इतने में तो राइस खरीद ही लेगी, वो वेस्ट नहीं जाएगा. रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप. सो द परचेस्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रैनरी. जैसे IVC की ग्रैनरी थी ना, विंडस वैली की, ऐसी हमारी भी ग्रैनरी होती है. डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड? सी दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअरर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस. इंडिया जो है ना, इंडिया में वेलफेयर टेंडेंसी भी है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी हमने लिया है, मतलब हम कुछ कैपिटलिस्ट के भी हैं और कुछ वेलफेयर सोशलिस्ट भी हैं हम. तो वेलफेयर में भी अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सरकार को ये काम करने हैं ताकि हर इंसान का, जो भी पर्सन है हमारे, सिटीजन्स हैं, उनका हमें फूड सिक्योरिटी हो. तो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को ये इशू प्राइस में ये प्रोवाइड करा देते हैं. तो क्या किया हमने, यहाँ से सरप्लस लिया, सरप्लस को हमने स्टोर कर दिया ग्रैनरी में और इसको ज़रूरतमंद लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब बात आती है PDS की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज COVID-19. फूड प्रोक्योर्ड बाय FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप. राशन शॉप होती है पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं PDS. राशन शॉप में सारी लोकेलिटी में होती है, विलेजेस सिटीज़ में, 5.5 के करीब लाख के नंबर हैं इनके. इनको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं. कई बार दिल्ली में देखना आप, अचानक दाल महंगी हो जाती है तो सरकार फेयर प्राइस शॉप से उसको और रीजनेबल रेट पे बेचना चालू कर देती है. तो FPS फेयर प्राइस शॉप कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर केरोसिन, ये सब रखती है ताकि हम फूड सप्लाई कंटिन्यू करें. आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. फैमिली जैसे जिनके पास राशन कार्ड है तो उनको वो स्टिपुलेटेड अमाउंट में 35 किलो, 5 लीटर केरोसिन, शुगर, ये सब प्रोवाइड हो जाएगी. देर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड. एक तो अंत्योदय होता है, जो काफ़ी गरीब हैं उनको हम अंत्योदय कार्ड प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम सरकार ज़्यादा मदद करेगी. BPL होता है जो पॉवर्टी लाइन से होती है. पॉवर्टी लाइन याद है, अभी हमने देखा था, एक तो वर्ल्ड WHO की पॉवर्टी लाइन थी और एक हमने बाद में तेंदुलकर एंड रंगराजन एंड ऑल दीज पॉवर्टी लाइन आएगी, तो इसके ऊपर वाले लोग
पोवर्ट नहीं है, इसके नीचे वाले लोग पुअर हैं। फिर दिस APL कार्ड भी होता है, अबव पोवर्टी लाइन कार्ड्स फॉर ऑल अदर। सो दिस इज़ अगेन अ सजेस्टेड एक्टिविटी, आप अभी तो नहीं बाहर जाइए बट राशन शॉप एक बार विजिट ज़रूर करिएगा आप अपनी लोकेलिटी में। ये आपसे क्या आपको हेल्प भी होगा फर्दर, आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ऑल, दिस विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द 1940s। राशनिंग मतलब हमने अपर कैप फिक्स कर दिए कि हम 5 किलो इधर ऐसे आपको दे दिया है, हमने राशन कर देंगे हम इतना। द राशनिंग सिस्टम वॉज रिवाइव इन द वेक ऑफ एन अक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s प्रायर टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। इन द वेक ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल NSSO, नो इंडिया ईयरबुक में देखिए NSSO क्या है, मिड 1970s में 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन इन एग्जिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथेंड देयर आफ्टर, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS 1975, देन फूड फॉर वर्क 1778 में। ये 3 कॉम्पोनेंट हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं, एक है आपका PDS, दूसरा है ICDS और जो तीसरा है वो फूड फॉर वर्क है। ओके, देन ओवर द ईयर सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड, द सेम हैव बीन रीस्ट्रक्चर विद ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्टरिंग द प्रोग्राम। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉवर्टी को दूर करना है, मोस्टली इन रूरल एरिया विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट ऑल्सो। सम ऑफ द प्रोग्राम सच एज PDS, मिड डे मील स्कीम, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, आइडिया यही है कि सबको खाना मिले, प्रॉपर खाना मिले। Contribute to food security, increasing income of the other. Again, this is an activity, rural wage employment guarantee, Sampoorn Gramin Rojgar Yojana, midday meal, integrated child development scheme, ये सारी services जो हैं government के initiatives होते हैं। फिर 2013 में आया National Food Security. This act provide for food and nutritional security, life at affordable होना चाहिए, enable people to live a life with dignity. Under this, 75% of the rural population or 50% of the urban population categorized as eligible household for food security. तो government इन्हें again subsidized rate में food provide करेगी। अब बात करते हैं PDS का, ये most important step है government of India का, ensuring food security, universal coverage इसमें बात है, no discrimination between the poor and the non-poor. Policy related to PDS has been revised over the time, 92 में revamped PDS आया, 1700 block इसमें यहाँ पे आए, June 1957 से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, आधार का भी एक्ट देखिए, वो एक्ट देख के आप सरप्राइज होंगे कि वो एक्ट इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बोल रहा है, मतलब PDS या इससे बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करना है बेनिफिट, तो आधार उसको आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह वर्क कर रहा है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की, जिसको हमें हेल्प देनी है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, वरना क्या होता है कई घोस्ट अकाउंट बन जाते हैं, बोगस अकाउंट बन जाते हैं, वो पर्सन हो है भी नहीं और उसके नाम से अकाउंट चल रहा है और वो सारे बेनिफिट अवेल कर रहा है। तो आधार इसलिए बहुत एसेंशियल था टू एलिमिनेट दिस बोगस अकाउंट्स। देन इंट्रोड्यूस द एडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग पुअर इन ऑल एरिया, अंत्योदय अन्न योजना आई एंड अन्नपूर्णा स्कीम भी आई, ये भी टारगेटेड स्कीम्स हैं, ये कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डील करेगी। सी PDS रिवाइज्ड टारगेटेड अंत्योदय अन्न योजना अबव एंड दिस इज NFSA, ये बहुत अच्छे से इस टेबल को आप देखिए, इसमें सारा इन्होंने यहाँ पे इशू लेटेस्ट कवरेज सब दे रखा है यहाँ पे। ओके, देन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इंडिग्नेंट सीनियर सिटीजन्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, दो स्कीम्स वॉज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ PDS। PDS जो है इसने प्रूव किया मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेज एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इंस्ट्रूमेंटल है हंगर फेमाइन के लिए, सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री, डेफिसिट वंस में, देन रिविजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल, देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यहाँ पर बात होती है, प्रोक्योरमेंट होता है APMC जो होती है, देन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन। बट जो PDS होता है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे कि इंस्टेंसेज ऑफ हंगर्स आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनरी, ग्रैनरी फुल है हमारी बट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्टॉक तो है FCI के पास सफिशियंट स्टॉक है बट वो रीच नहीं हो रहा है। तो एक कंडीशन हमने क्या देखी थी, एक्सेसिबिलिटी, तो दिस एक्सेसिबिलिटी इज पुअर। ओवरग्रोन है, सम रोटिंग अवे, खाना पड़ा पड़ा खराब हो जाता है बट हम ज़रूरतमंद के पास उसे पहुंचा नहीं पाते हैं, चूहे खा जाते हैं उन्हें, देन दिस इज़ डिफरेंस इन फूड ग्रेन स्टॉक इन सेंट्रल एंड दिस। अब ये है अंत्योदय अन्न योजना, ये एक्सट्रीमली पुअर के लिए है, दिसंबर 2000 में हुई थी, 1 करोड़ पुअरेस्ट अमंग द BPL से भी जो पुअर है उनके लिए है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन में होगा, इनको 2 रुपये किलो में
गेहूँ 3 रुपए किलो में राइस और 25-35 किलो इन्हें पूरा क्वांटिटी दी जाएगी। ये 2002 में 2003 ऐसे करके ये रिवाइज़ किया है। आइडिया क्या है? भूखा कोई नहीं, पॉवर्टी स्टार्वेशन नहीं होना चाहिए, हमें ये डेथ नहीं करनी है, हमें प्रॉपर फूड सिक्योरिटी हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराना है, ये ह्यूमन राइट्स होते हैं। सेंट्रल फूड ग्रेन का वीट और राइस का मिनिमम बफर नॉर्म सी, दिस इज़ द ग्राफ। देन अगेन लेट अस डिस्कस सम एक्सरसाइज। सब्सिडी का अभी हमने मीनिंग देखा था। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। 100 रुपये मार्केट प्राइस है बट गरीब बेचारा 100 रुपये दे नहीं पाएगा, तो सरकार बोलती है आप इसको गरीब को 50 रुपये में बेच दो और जो आपकी 50 रुपी जो बच रहा है वो मैं आपको दे दूंगी, सरकार दे देती है इसे, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। जैसे फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी मिलती है वाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। देन फूड ग्रेन स्टॉक मिनिमम बफर FCI ग्रेनरी। 2014 में स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस 65.3 मिलियन टन था, मिनिमम बफर नॉर्म थे, ये चेंज होते रहते हैं। दीज रिमेन्ड कंसिस्टेंटली हायर देन बफर नॉर्म। सिचुएशन इंप्रूव विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। एक जनरल कंसेंसस है हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज वेरी अनडिजायरेबल बिकॉज फूड खराब हो जाता है, खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ऐसे एल्डर्स बोलते हैं ना, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये खाना फूड कई बार स्टॉक्स जो बफर हैं वही वेस्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा भी हम बफर बना के नहीं। स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। अगेन इसको वहां पे रखना, वेयर हाउसेज होते हैं उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, वेस्टेज होता है, डिटीरियोरेशन होता है। फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर अ फ्यू ईयर शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। अब इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट एनहेंस्ड MSP, प्रेशर आ जाता है लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट से, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, ये काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये बोलते हैं हमें ज़्यादा MSP रखो ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो, तो गवर्नमेंट के इसमें प्रेशर हो जाता है। फार्मर्स कैरिंग बैग्स ऑफ ग्रेन्स ये ग्रैनरी में ऐसे लेके जा रहे हैं। देन फ्यू प्रॉस्परस रीजन है ये हाई डिमांड करते हैं, इनकी दो मेजर क्रॉप्स होती है वीट एंड राइस। देन पर्टिकुलरली ये सरप्लस में होते हैं, डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ वाई एक हम आर्टिकल देखा था जिसमें मतलब डाइवर्सिटी नहीं हो रही है, फूड क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं है, क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं है, सब वीट या राइस ही लगा रहे हैं, ये डीमेरिट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। हमारे यहाँ कोर्स क्रॉप्स भी होनी चाहिए थी, पल्सेस भी होनी चाहिए थी, ये सब बैक स्टेज ले लिया है इन्होंने। स्टेपल फूड फॉर पुअर प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल। वाटर का कैसा होता है, ये लोग ट्यूबवेल से ऊपर पानी निकालते हैं पंप के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा अगर पानी रहता है तो ये क्या होता है, सलाइन बन जाती है, ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो पूरी ज़मीनें हैं ना ये पूरी खारी होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर ऊपर आके सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। लेट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉल इन वाटर लेवल थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स। अब राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट से भी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इकोनॉमिक्स में ये दो चीज़ें होती है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कितना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अगर जितना कम है ना उतना ही आपके पास फिर प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा बिकॉज रेवेन्यू इधर नहीं जा रहा है आपका, कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो रही है। देन NSSO इंडिया ईयर बुक में हमने देखा अभी, देन दिस इज 6.38 kg। अगेन दीज आर सम फिगर, ये ऐसे इन्होंने PDS के दे रखे हैं। PDS डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड रीस्टोरिंग टू मेल प्रैक्टिसेस होता है, कालाबाजारी, जमाखोरी, ये सब काम करते हैं, तो इन पे भी नज़र रखनी पड़ती है। पुअर क्वालिटी ग्रेन राशन शॉप में दे देंगे, इररेगुलर ओपनिंग करेंगे शॉप को, राशन शॉप रेगुलरली अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन लेफ्ट, सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब राशन शॉप आर अनेबल टू सेल अ मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन पाइल अप विद FCI और ये फिर पूरा हो जाएगा वेस्ट। रीसेंट ईयर में देर इज़ अनदर फैक्टर दैट हैज़ बीन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ PDS। क्या हुआ कि जो पहले फैमिली पुअर नॉन पुअर के पास राशन कार्ड होता था, फिक्स्ड कोटा ऑफ आइटम होते थे राइस वीट शुगर के, दीज वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस टू एवरी फैमिली। जैसे तीन टाइप ऑफ कार्ड है, रेंज ऑफ प्राइसेज दैट यू सी टूडे डिड नॉट एग्जिस्ट, अब ऐसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज कुड बाय फूड ग्रेन फ्रॉम द राशन शॉप सब्जेक्ट टू अ फिक्स्ड कोटा, दीज इंक्लूडेड लो इनकम फैमिली हुज इनकम वर मार्जिनली हायर देन द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। अब जब TPDS आ गया है, द थ्री डिफरेंट प्राइसेज, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ राशन शॉप, तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों PDS में अभी कम सेल हो रहा है। एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस में ही हो जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं क्यों हम यहाँ PDS में जाएँ, हम मार्केट से ही सब ले लेते हैं, तो इंसेंटिव नहीं मिल पाता है उन्हें कि वो राशन शॉप में जाएँ।
अब इसमें कोऑपरेटिव का क्या रोल होता है? कोऑपरेटिव इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी में, आप देखना ये कई जगह कोऑपरेटिव्स एंड ऑल की बात की है। कोऑपरेटिव आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एस्पेशली साउथ में और वेस्टर्न पार्ट गुजरात महाराष्ट्र में ये काफ़ी पॉपुलर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट शॉप अप टू सेल लो प्राइज्ड गुड्स टू पुअर पीपल, जैसे कि तमिलनाडु में 94% आर बींग रन बाय कोऑपरेटिव। दिल्ली में एक मदर डेयरी है, दूध का जो सप्लाई देती है, मिल्क एंड वेजिटेबल्स भी देती है। कंज्यूमर्स आर कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमूल एक दूसरा सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव का, जो गुजरात में एक्टिव है, वाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। अगेन इंडिया ईयरबुक, आपको पता चलेगा हमारा डिमांड कितना है, मिल्क प्रोडक्शन का रैंकिंग कितना है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी का है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर में दिया हुआ है। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी मोर कोऑपरेटिव रनिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। अब महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, एनजीओज भी वर्क करती हैं, फैसिलिटेट देती हैं, एडीएस ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ। एक ग्रेन बैंक है, जैसे हमारा बैंक होता है ना, तो इसमें भंडारण हो रहा है यहाँ पे, स्लोली टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एडीएस ने ग्रेन बैंक बनाए हैं, फैसिलिटेट कर रही है रेप्लिकेशन थ्रू एनजीओ। तो ये इस तरीके से हम अलग अलग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ले रहे हैं फूड सिक्योरिटी देने का। समरी में क्या लिखा है? फूड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज एंश्योर्ड इफ ऑल ऑफ इट्स सिटीजन हैव न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड नो बैरियर ऑन एक्सेस। तो ये तीन चीज़ आप याद रखना जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तीन ये आपकी डेफिनेशन में होना चाहिए। पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन माइट बी फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम, बेटर ऑफ माइट ऑल्सो टर्न फूड इनसिक्योर ड्यू टू कैलामिटी और डिजास्टर, जैसे कि COVID-19। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, वर्स्ट अफेक्टेड लैंडलेस और लैंड लेबर होते हैं, पुअर जो एम्प्लॉयड नहीं है, इल पेड हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, कैजुअल लेबर हैं, सीजनल एक्टिविटी कर रहे हैं। गुड इनसिक्योर पीपल्स आर डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, पॉवर्टी ज़्यादा है, ट्राइबल्स काफ़ी सफ़र करते हैं रिमोट एरियाज़ में, रीजन्स जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा होते हैं। इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव होता है, ये केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बफर और एक होता है पीडीएस। बफर मतलब फूड को यहाँ पे बफर बना के रखना, स्टॉक है, और पीडीएस मतलब इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, कंप्राइज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS है, फूड फॉर वर्क है, मिड डे मील है, अंत्योदय अन्न योजना है, ये सारी कुछ स्कीम्स हैं जो हम रन कर रहे हैं टू प्रोवाइड दिस फूड सिक्योरिटी। नाउ दिस इज एन अगेन एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको बहुत रिटेंशन होगा, ये वीडियो देखा है ना, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाउ इज फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन इंडिया? विच आर पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी? विच स्टेट आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया? क्या भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सेल्फ सफिशिएंट बनाया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए। सेक्शन ऑफ पीपल के पास अभी भी फूड नहीं है। डिजास्टर कैलामिटी COVID-19 क्या हो जाता है फूड को? डिफ्रेंशिएट करिए सीजनल हंगर को और क्रोनिक हंगर को। वेरी गुड क्वेश्चन। सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर, ये मतलब कभी कभी खाना कम मिल रहा है, हमेशा ही आपको खाना कम मिल रहा है, लो क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी। फॉर आवर गवर्नमेंट क्या क्या डिसाइड कर रही है, डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं, बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं, MSP क्या होता है, बफर क्या होता है, इशू क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप क्या होती है, इस पर एक छोटा नोट लिखने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। सो डू दिस एक्सरसाइज, बहुत बेनिफिट होगा इससे आपको। ओके सो ये अभी हमारी इकोनॉमी की बुक कंप्लीट हो रही है, चैप्टर नंबर 4 फूड, ये समरी देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा ये लोकल NGOs को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PDS इज इंपॉर्टेंट, देन वेस्टेज एंड डिटेरियोरेशन हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा अपन बफर बना लेते हैं, देन ये ऐसा ग्राफ है अभी, इतने मैट्रिक टन इस टाइप से अवेलेबिलिटी होती है। ये अंत्योदय अन्न योजना है, ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए होती है, और इसमें सी 2 रुपये 3 रुपये ऐसे करके खाना हम प्रोवाइड कराते हैं उन्हें। देन दिस इज PDS क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा ये अलग अलग स्कीम्स हैं, सी PDS, RPDS, TPDS, AAY, APS और NFSA। देन दिस इज PDS, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये सजेस्टेड एक्टिविटी है, PDS और इनमें डिफरेंसेस, PDS क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक के ग्राफ है, फूड सिक्योरिटी, व्हाट यू मीन बाय दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट यू मीन बाय दिस वीट रिवॉल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स में। परसेंटेज ऑफ हाउस हंगर इन इंडिया, आप एक बार एग्रीकल्चर का चैप्टर जरूर देखना इंडिया ईयर बुक का, आपको बहुत अच्छे लर्निंग मिलेगा वहाँ पे। देन ये है PDS, दिस इज PDS, ये है फेमाइन क्या होता है, देन
दिस इज़ फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कैलामिटी में क्या चेंजेस होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ये चीज़ आपको फूड सिक्योरिटी कोई भी पूछे तो ये तीन पॉइंट बोलने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीन चीज़ पिलर हैं फूड सिक्योरिटी के। ओके, सो दिस इज़ एग्रीकल्चरल हिस्ट्री एंड दिस इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ ये NCERT का इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का बुक हमारा अभी कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो विल टॉक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बी सेफ़।